सोए गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो कि होने वाले इस दोबारा से न्यू गेम जिसका नाम है कार्डक्स ड्रिफ्ट। सो इस गेम के बारे में मेरे को भाई ने सजेस्ट करा कि भाई अब इस गेम को ट्राई करके देखो। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये गेम GTA 5 की जैसे लगेगी। तो मैंने सोचा क्या सच में ये गेम GTA 5 की जैसी लगती है, तो क्यों ना एक बार इसे ट्राई करा जाए। तो फाइनली मैंने इसे डाउनलोड करा, जो कि भाई 6 से 7 GB लग चुका है मेरे को डाउनलोड करने में। और इस गेम की ग्राफिक बोलो तो भाई सब हालांकि GTA 5 की जैसे पूरी तो नहीं, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ GTA 5 के बराबर ही है। तो मैंने इस गेम को हल्का फुल्का तो ट्राई करा, जो कि हाँ भाई सच्ची में ये गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। एंड मैंने इसमें काफी सारे मिशन में पूरा करा। तो इस गेम में हम अपने लिए एक पर्सनल घर भी बाय कर सकते हैं, जो कि इसकी प्राइस मेरे को शायद 20 से 25 हज़ार मिल रही थी। एंड मैं चाहूँ तो उसे बाय कर सकता था, बट मैंने इसे अभी तक बाय नहीं करा, जो कि शायद मैं इस गेम में बाय कर सकता हूँ अभी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बट हाँ इस गेम में हम रेस भी कर सकते हो, जो कि अगर आप रेस को जीत गए ना भाई तो आपको उसके लिए काफी सारा पैसा मिलेगा। एंड शायद में भी कार भी मिल सकती है, मेरे को उतना पता नहीं। बट हाँ मेरे को जितना पता था मैंने आपको सारा बात बता दिया। सो भाई मैं इस गेम में पूरा नहीं हूँ, एंड आप मेरे को कमेंट में जरूर बता देना आखिरकार मैं आगे क्या करूँ और मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा अपने गेम में, जो कि हल्के फुल्के बेटर होती रहेगी। सो फाइनली बढ़ते हुए वीडियो में, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम 100 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे को बोलते बोलते काफी ज्यादा पसीना आ चुका है, तो फाइनली बढ़ते वीडियो में लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइस, फाइनली मैं आज को अपने कार एक्स स्ट्रीट के दुनिया में, जो कि मेरे को यहाँ पे 3 कार सेलेक्ट करने को मिल रहा था, बट मैंने इस वाले कार को सेलेक्ट करा क्योंकि भाई ये कार मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि सामने जो खुलता है दैट वाला ना भाई खतरनाक लगता है, नेक्स्ट लेवल यार। इसके बारे में क्या ही बताऊं, जो कि पता नहीं मैं इस कार का कितना बड़ा फैन हूं। सो खैर, सो हमारे को यहाँ पे शायद कोई मिशन मिल रहा है जो कि पंपकिन कलेक्ट करने का, एंड ये 7 दिन तक ओपन है, जो कि मैं कहाँ कहाँ कलेक्ट करूँगा मेरे को पता नहीं। एंड मैं सिटी में ट्रैवल करूँगा मेरे को कहीं ना कहीं पता चले जाएगा, एंड ये भी मेरे को नहीं पता आखिरकार इसमें कितने पंपकिन कलेक्ट करना है। बट कोई ना, मैं सीधा सीधे निकलता हूँ अपने सिटी में, जो कि यहाँ पे रात भी हो चुकी, बट ये खतरनाक लगता है रात में। मैंने ऐसा सोचा नहीं था जो कि हाँ यार रात में भी इतना हमारे को अच्छा लगने वाला। सो कोई ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारे को जाना कहाँ है। सो मेरे को यहाँ पे सामने एक मैडम बुला रही, जो कि यहीं पे शायद, हाँ यहीं पे भाई मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो कि रूट हमारे को यहाँ पे फाइनली मिल रहा है, जिसके कारण मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओ वेट 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 भाई, ब्रेक नहीं लगी यार, क्या है दिक्कत है, या फिर ग्लिच, या फिर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं भाई। कार में डैमेज नहीं जाना चाहिए, वरना फिर भाई क्या ही बोलूँ, मारूंगा इतना मारना इस गेम वाले को। हाँ भाई कार में तो डैमेज नहीं जाते। फाइनली यहाँ पे देखता हूँ हमारे को कहीं जाना है क्या। सो गाइस फाइनली यहाँ पे एक सामने कार है, जो कि यार खतरनाक लग रही है ये भी, एंड शायद ये रेस करने चाह रही है मेरे को नहीं पता, या फिर कोई रिफ्यूल, शायद टाइम टू रिफ्यूल, तो फाइनली मैं इसे रिफ्यूल तो करवा लेता हूँ। सो मेरे को यहाँ पे एक एलिसा हैंसन नाम की बंदी मिली, जो कि मेरे को बोला तेरा कार बड़ा प्रीटी लग रहा है, लेकिन इसमें फ्यूल काफी ज्यादा कम है, जो कि मैं तेरे आसपास एक फ्यूल स्टेशन मार्क कर दिया, जो कि तू वहां जाकर भरवा सकता है, एंड वहां पे सस्ते में तेरा फ्यूल अप हो जाएगा। सो फाइनली मैं वहां पे चलता हूँ एंड देखता हूँ मैं सच्ची में वहाँ मेरा फ्यूल अप सस्ते में ही होने वाला। ओ वेट 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 भाई, क्या एक खतरनाक सा मार्क कर दिया, मैं अभी तो ठोक ही देता इसे। और यहाँ से मेरे को टर्न लेना, ड्रिप कैसे लगता है इसमें मेरे को नहीं पता, ड्रिप कैसे लगती है बता देना मेरे को। बूस्ट लगाने का मेरे को आता है, जो कि यहाँ पे चार्जिंग वाला साइन दिया हुआ, जिसके कारण मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साहब, ओ वेट वेट वेट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ठोकना नहीं है। अबे भाई साहब, मैं बैरियर को ही तोड़ के पार कर दिया, लेकिन कोई ना, शायद मेरे को नीचे से जानी है। हाँ भाई नीचे से जानी। ओ भाई साहब रुक जा रुक जा, हाँ मैंने ठोका नहीं, लेकिन कोई ना, सामने से मेरे को यहाँ पे मोड़ लेनी, जो कि मैं यहाँ से मोड़ ले लेता हूँ। बट यार इस कार को ड्राइव करने में मजा लग रहा है। सो हाँ आप मेरे को सही पाथ मिल चुका है, जो कि इधर से मेरे को सबसे पहले एक राइट टर्न लेना है। सो भाई लोग, मैं इस गेम को जब स्टार्टिंग में ट्राई करा ना, तो मेरे को वहाँ पे एक रेस करने को मिला, जो कि भाई स्टार्टिंग में बड़ा खतरनाक लगा, एंड वहाँ पे मेरे को 3 कार सेलेक्ट करने को मिला, जो कि मैंने इस वाले कार को सेलेक्ट करा। ओ इतना छोटा गैस स्टेशन, एंड ये मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा प्राइस चार्ज करने वाला। कोई ना, सबसे पहले मैं अपने कार को यहाँ पे रोकता हूँ एंड फाइनली फ्यूल अप करवा देता हूँ, जो कि भाई सब $600 का यार, और मैं यहाँ पे नाइट्रो भी फुल करवा सकता हूँ, जो कि मैं इसे भी फुल करवा देता हूँ। एंड यहाँ पे फाइनली नाइट्रो फुल हो चुका है, और फ्यूल की बारी, जो कि मेरा फ्यूल भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। सो फाइनली मैं निकलता हूँ अपने सिटी में, एंड भाई यहाँ पे बार बार क्या साइन आया जा रहा है। सो शायद मैं कार शोरूम में जाने वाला हूँ, जो कि वहाँ पे काफ़ी सारी कार हमारे को देखने को मिलेगी। देखता हूँ कैसे कैसे कार है, जो कि भाई यार खतरनाक हमारे को आते हैं। यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी दिख चुकी है, जो कि शायद लैम्बोर्गिनी है ना, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट यार मेरे को वैसा ही लग रही है। सो देखता आखिरकार इसमें लैम्बोर्गिनी कौन सी। हाँ भाई शायद मेरे को इसे अनलॉक करने के लिए सच्ची में पैसा पेड करना पड़ेगा, जो कि 1850 रुपये भाई सब काफ़ी ज़्यादा है, और इसका हॉर्स पावर 573 है, जो कि ज़्यादा नहीं है। एंड फाइनली मैं देखता हूँ अपने लायक कौन सी गाड़ी है, जो कि मेरे को शायद फ्री में मिल सके यार, या फिर इस गेम वाले करेंसी से हमारे को मिल सके। हाँ भाई, सो भाई मैं इस कार को अपने गेम वाले करेंसी से ओपन कर सकता हूँ, जो कि इसका हॉर्स पावर 400। हाँ भाई सब अच्छी है इसका हॉर्स पावर,
बट यार कोई ना, और भी इधर काफी सारे गाड़ियां को जो कि हमारे को यहाँ पे फोर्सा दिख चुकी है, एंड इसे मेरे को ओपन करने के लिए 300 गोल्ड चाहिए जो कि मैं नहीं करने वाला। और इसमें मस्टेक है क्या मेरे को नहीं पता भाई। यहाँ पे हमारे को सुपरा दिख चुकी है, दो दो सुपरा जो कि ओपन सनरूफ वाली। तो यहाँ पे प्रीमियम वाला भी है जो कि प्रीमियम वाला भाई सब काफी ज्यादा चार्ज कर रहा है, एंड सेकंड क्लास वाली कितना, जो कि सेकंड क्लास वाला मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बिकॉज ये गेम वाले करेंसी मांग रहे हैं, तो मैं इसे शायद अनलॉक कर सकता हूँ। एंड अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 पैसे जो कि मैं इसे कुछ नहीं करने वाला। फाइनली मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ जो कि शोरूम में बहुत ही ज्यादा देख लिया। अब मेरे को सिटी को एक्सप्लोर करना जो कि देखता हूँ कहाँ जानी है हमारे को। सो यहाँ पे फ्यूल कैसे मैं चेक करूँ, हाँ भाई सब 40 लीटर तो मेरे पास फ्यूल है। सो हमारे को यहाँ पे एक मार्क दिख चुका है जो कि मैं इस मार्क में चलता हूँ, एंड देखता हूँ आखिरकार यहाँ पे क्या है भाई। क्विक शिफ्ट शायद यहाँ पे कुछ था, मैं जाके देखता हूँ। मे बी शायद मेरे को $3,500 मिल जाए तो भाई सब बड़ा मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग देनी है हमारे को यहाँ पे $3,500 का अर्निंग हो जाएगा। सो क्विक शिफ्ट इन इंडस्ट्रियल पता नहीं 1.2 किलोमीटर का शायद रेस है, तो फाइनल में इस रेस को स्टार्ट करता हूँ। मे बी शायद मैं जीत जाऊँ, और भी शायद यहाँ पे काफी सारे बंदे होंगे भाई सब। मैं यहाँ पे अकेला लौटा हूँ जो कि ये रही मेरी कार, एंड फाइनली मेरे को यहाँ पे 3 बार किसी कार को नहीं ठोकना वरना फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। बट यार मैप काफी ज्यादा बड़ा है, एंड वहाँ पे लिख रखा था शायद 1.2 किलोमीटर जो कि कोई ना ज्यादा भी होगी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को कार से बच के रहना। भले मैं कोई घर को ठोक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे को कार को कोई नहीं ठोक रहा। सो भाई फ्रंट में यहाँ पे साले पागल वागल हो क्या? ओ भाई नहीं भाई, मैं कार को नहीं, यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं ठोक सकता जो कि मैंने यहाँ पे 1% यानी कि पहला चांस खत्म हो चुका। अब मैं धीरे धीरे जाने वाला हूँ। ओ ये भी टर्निंग लेने वाली, तो भाई मैं तेरे से पहले टर्निंग ले लेता हूँ। और सर जी अबे सफारी भाई, सब सफारी नहीं है, मैंने से झूठ में हो भाई साले। भाई यार मैं क्या ही बोलूं, मैं भी ठोक ही देने वाला था, मेरे को पता था मैं इसको ठोक देता। अबे साले भाई कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा रहे इस गेम में, एंड मैं इसे यू ही ड्राइव करा जा रहा। बट हाँ मेरा लोकेशन ज्यादा दूर नहीं जो कि सामने, एंड यहाँ से सबसे पहले एक राइट टर्न लेने पड़ेगा जो कि मैं ड्रिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मार पा रहा हूँ। और अगर मैं इस कार को स्पीड में ड्राइव किया ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ ठोक दूंगा यार। सो फाइनली मैं आ चुका शायद अपने लोकेशन में, एंड भाई सब रुक जा यार, मैं शायद हार चुका हूँ क्या? नहीं भाई मैं तो हारा नहीं हूँ, लेकिन मेरा रैंक 7 है शायद, यहाँ पे रैंक R7 दिख चुका शायद, मे भी हो सकता है। एंड मैंने इस वाले रेस को कुल 1.4 सेकंड में पूरा किया भाई। सब सेकंड क्या ही बोल रहा है यार, 1 मिनट 4 सेकंड में कम्प्लीट किया। एंड यहाँ पे हमारे को $300 मिल चुकी है जो कि अच्छी बात है भाई। सब लगा था हमारे को इतना भी मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे पास था $600 जो कि अब हो चुका $900। एंड आप देखते हो आखिरकार मेरे को कहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमारे को इंडस्ट्रियल जोन दिख चुका है जो कि शायद कहाँ पे कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पे फाइनली दोपहर का समय हो चुका है, लेकिन यार ग्राफी एक नंबर है। और अब मैं देखता हूँ आखिरकार मेरे को जाना कहाँ पे। यहाँ पे फाइनली कार दिख चुकी है जो कि शायद शोरूम का होगा, कार शोरूम जो कि मैं फाइनली उसे मिस्टेक से क्लिक कर दिया। बट कोई ना, मैं इसे एग्जिट ही करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक बार इसे एक्सप्लोर कर लिया, और बार बार एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मैं नहीं ट्राई करने वाला। सो अब मैं देखता हूँ आखिरकार मेरे को कहाँ जाना भाई। मैं जूड़ में इस मैच को खेले जा रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वाले मोड है तो मैं चाहूँ तो वहाँ पे जाके शायद खेल सकता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे शायद काफी सारे मैंने घर देखा था जो कि मैं बाय कर सकूँ। ओ भाई घर तो हमारे को नहीं दिख रही है। सो गाइस हमारे को यहाँ पे एक लोकेशन दिखी जो कि मेरे ही कॉम्पिटिटर है, एंड वो पोर्सा से रेस करेगा, एंड मैं इस वाले कार से रेस करने वाला जो कि इस कार का नाम है NX5। मेरे को इसका पूरा नाम नहीं पता, बट हाँ इतना लिखा हुआ था गेम में जो कि मेरे को पता चल चुका। सो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ पे जाकर ट्राई करूँ। सो इस रेस के पास जाने से पहले मैं इस लड़की से मिल लेता हूँ, देखता आखिरकार ये क्या कहना चाहती। अगर मैं फास्ट ट्रैवल करना चाहूँ तो भाई साहब $190 जो कि मैं शायद कर सकता हूँ, या फिर रूट देखो तो भाई सब कितना दूर। हाँ भाई सामने, मैं रूट से ही जाने वाला हूँ, क्यों ही अपना पैसा बर्बाद। सो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले बैक लेनी पड़ेगी। अगर इसमें पाथ मार्क करने का नहीं देता ना तो मैं जोड़ में इधर उधर बार बार मैप को देखता भाई, क्या ही परेशानी होती। बट कोई ना, मैं अपने कार को पूरा स्पीड देने वाला जो कि जितना बूस्ट हो सके। फाइनल मैं यहाँ पे बूस्ट भी दे देता हूँ भाई, अगर टर्निंग आ गई ना तो मैं कार को ठोक दूंगा। बट यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे को शायद यहाँ पे कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं करना, लेकिन यहाँ पे कुछ तो शायद था। ओ खतरनाक वाला मैंने टक्कर मारा, लेकिन भाई मैं इसमें ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन यार ड्रिफ्ट नहीं हुआ। एक बार ट्राई करता हूँ स्पीड में फिर से, जो कि मे भी शायद कोई ड्रिफ्टिंग वगैरह पर हो जाए, शायद हो जाएगी फाइनली। भाई नहीं होती यार, मैं झूठ में इसे ट्राई कर रहा हूँ। एंड मेरे को बता देना क्या इसमें ड्रिफ्ट होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। ओ भाई साहब मैं तो फ्यूल इसमें भरवा चुका था, तो बार बार मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, लेकिन कोई ना देखता हूँ क्या बोल रही है। हाँ भाई मैं यहाँ पे फ्यूल तो भरवा के गया हूँ, बट फिर से मैं फ्यूल अप करवा लेता हूँ जो कि देखता हूँ आखिरकार कितना लेती है। सो यहाँ पे मैंने फिर से फ्यूल अप करवा लिया जो कि 40 लीटर दिख रहा है हमारे को, और नाइट्रो मेरा काफी ज्यादा कम हो चुका। बट यार कोई ना, ये रही वो कार, और देखता हूँ क्या ये रेस करना चाह रहा है मेरे से। सो मेरा एलिस हैंसन से बात हो चुका है, इसने मेरे को बोली तूने अपने कार को काफी गंदे तरीके से ठोका जो कि तेरा कार बकवास दिख रहा है, लेकिन पहले बड़ा प्यारा दिखता था। लेकिन यार कोई दिक्कत मत ले, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, तेरे पास $20,000 है जो कि यहाँ पे ट्यूनिंग शॉप है, तो वहाँ पे चल मैं तेरे कार को रिपेयर करवा देता हूँ, लेकिन पैसा तेरे को ही पेड करना पड़ेगा। हाँ मेरे को पता है पैसा मेरे को ही पेड करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं देखता हूँ सबसे पहले लोकेशन मेरा कितना दूर है, क्या मैं मैप को खोल सकता हूँ। हाँ भाई मैप को तो मैंने खोल लिया जो कि भाई ज्यादा दूर नहीं, मेरे सामने देख लिया, तो क्या फिर मैं निकल जाता हूँ और मैं अपने कार को पूरा बूस्ट देने वाला हूँ। ले ले भाई बूस्ट ले तो पहले, और निकल सबसे पहले फुर्सत में। अबे यार तू टर्निंग क्या दे रहा, ले मैं तेरा ही पाथ फॉलो करने वाला हूँ।
ओ भाई अबे यार मैं इसी पाथ में ड्राइव करो, बट यार मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं दिख रही। ओ मेरे को ऐसे टर्न लेनी, सो यार ड्रिफ्टिंग इसी कहते हैं। एंड फाइनली इधर मेरे को टर्न लेनी है, जो कि कोई दिक्कत नहीं यार, मैं इस गेम को खेलते खेलते पूरा अच्छे तरीके से सीख जाऊंगा। एंड मेरे को बताना क्या मैं इसमें मिशन को पूरा कर सकता हूँ क्या, मेरे को कुछ भी नहीं पता इस गेम के बारे में। लेकिन हाँ मैं अभी इतना दिन खेला, मेरे को काफी सारी चीज पता चल चुकी, जो कि अगर मैं चाहूँ तो रेस कर सकता हूँ, रेस में मैं काफी सारे पैसे जीत सकता हूँ, और मेरे कार अगर डैमेज वगैरह हो गया तो मैं ट्यूनिंग करवा के इसे अच्छे प्रॉपर तरीके से रेडी कर सकता हूँ। जो कि अगर मैं कोई न्यू कार को बाय करूंगा ना तो मैं उसे ट्यूनिंग जरूर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को लोकेशन पता चल चुकी है ट्यूनिंग शॉप का। ओ भाई यहीं पे था जो कि मैं फिर से अपने कार को डैमेज करवा ही बैठा, बाटा कोई ना लगे हाथ में से ही रिपेयर करवाने वाला हूँ। सो फाइनली मैं आ चुका अपने ऑडिस, शायद कौन सी नाम है वो, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ट्यूनिंग करवाने के लिए, जो कि यहाँ पे $800 चार्ज कर रहा है, बट कोई ना जितना पैसा मांग रहा है भाई तू ले ले यार ले ले, लेकिन मेरे कार को प्रॉपर तरीके से रेडी करते। सो फाइनली मैंने यहाँ पे रेसिंग टायर इंस्टॉल करवा लिया, जो कि $3700 का, बट कोई ना मैं इसे इंस्टॉल करवा लेता हूँ। एंड फाइनली और भी देखता हूँ काफी सारी चीजें यहाँ पे होगी। सस्पेंशन की बात करूँ तो अच्छी खासी वाला लगा सकता हूँ मैं, भाई 5000 तो काफी ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं 2500 वाला इंस्टॉल करवा देता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं पता आखिरकार मैं इसे क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को दिख रहा है मैं इसे इंस्टॉल करवाता जा रहा हूँ। और भी मैं इसमें कुछ इंस्टॉल करवा सकता हूँ क्या? हाँ भाई ब्रेक वाला मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ, जो कि ये बड़ा फालतू ब्रेक लगता है, तो मैं इसे इंस्टॉल करवा देता हूँ। और इसमें कलर वगैरह होता है या फिर नहीं मेरे को नहीं पता यार, लेकिन देखता हूँ ट्राई करके अगर हो जाए तो। सो मेरे से जितना हो सका मैंने उसे ट्यून करवा दिया, जो कि अब अच्छी खासी शायद स्पीड बढ़ने वाली। मैंने इसमें इंजन अपग्रेड नहीं करा, बट मेरे से जितना भी मैंने इसे अपग्रेड करवा दिया। ओ भाई अब वेट यार अब इसमें क्या होने लगा, मेरे को शायद मोशन ब्लर देखने लगा, बट कोई ना यहाँ पे मिड डाउन दिख चुका, जो कि मैं यहाँ पे ट्यून नहीं करवाया हूँ। हाँ भाई मैंने शायद यहाँ पे ट्यून तो करवा लिया, और यहाँ पे कार आ चुकी फिर से, जो कि वही लड़की है। एंड ये अब क्या बोल रही है भाई, यू हैव रेडी टू $500 पता नहीं। सो हमारे एलिस लड़के से एक बड़ा अच्छा बात पता चला, जो कि यहाँ पे कुछ दिनों में रेस होने वाला एंड बॉस को हराना होगा, जो कि वहाँ पे तेरे को काफी अच्छा पैसा मिलने वाला, तेरे को नहीं भाई मेरे को ही पैसा मिलने वाला, जो कि देखता हूँ अगर मैं उसमें जीत गया तो मेरे को अच्छा खासा पैसा ही मिलने वाला। एंड देखता हूँ भाई सब यहाँ पे क्या शायद ड्रिफ्टिंग वाला है क्या या फिर स्लाइडिंग क्या, मैंने शायद इसे ऑन कर दिया और देखता हूँ भाई पटाखा खतरनाक आवाज है यार। और मेरे को अचानक यहाँ पे माउंटेन ड्राइव दिखी, जो कि ये क्या मैं इसे अनलॉक नहीं कर सकता क्या? मैंने सोच रहा नेक्स्ट पार्ट में इधर एक बार ट्रैवल करके देखूँ, मे बी शायद मेरे को इधर एंट्री मिल जाए, अगर मिल जाए तो भाई बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो कि इधर का पाथ बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, इधर सभी घुमाओ घुमाई है, जो कि मैं जब इसे 3D में कर दे रहा हूँ यार खतरनाक लग रही है। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा मेंशन है, जो कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ क्या भाई? अभी मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, और अगर मैं इधर चाहूँ तो भाई सब काफी सारे बिल्डिंग है। एंड फाइनली मैं कुछ दिनों में इसे भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो आप मेरे को कमेंट बता देना मैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या करूँ भाई, अब जो बोलोगे मैं वही फॉलो करने वाला हूँ। एंड फाइनली आज की वीडियो को मैं यही रखता हूँ, मे भी अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट भाई सब्सक्राइब ही कर देना, बिकॉज हम 100 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज है। एंड कमेंट में एक और बात बता देना क्या मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। सो फाइनली आज की वीडियो यही रखता हूँ, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।